दोस्तों, जो देश जितने अमीर होते हैं वहां पर रहने वाले लोगों की सोच उतनी ही ज्यादा मॉडर्न होती है, जिसकी वजह से उधर की सरकार को ही अपने देश में कुछ ऐसे अजीबोगरीब रूल्स को बनाना पड़ता है जो वहां रहने वाले लोगों के लिए तो नॉर्मल से होते हैं, लेकिन बाहर के देशों में रहने वाले लोगों को ये रूल्स उस देश की तरफ कुछ ज्यादा ही आकर्षित कर जाते हैं। ऐसा ही एक देश जर्मनी भी है। इस देश के रूल्स जितने मॉडर्न है उससे कहीं ज्यादा मॉडर्न तो इस देश में रहने वाले लोग हैं, जो इन अजीबोगरीब रूल्स को पूरी रिस्पेक्ट के साथ कुछ ज्यादा ही दिल से फॉलो करते हैं, क्योंकि ये रूल्स उनकी मस्ती के लिए ही तो बनाए गए हैं। तो आज इस वीडियो में हम आपको जर्मनी देश के कुछ ऐसे वियर्ड रूल्स के बारे में बताएंगे जिनको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन ये बताने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को ऑल पर जरूर क्लिक कर देना। दोस्तों, यहाँ के लोग सबसे ज्यादा मॉडर्न माने जाते हैं, जिसकी वजह से 1 जनवरी सन 2002 से ही यहाँ प्रोस्टिट्यूशन को लीगल कर रखा है। मतलब कि रात हो या दिन, लॉकडाउन हो या अनलॉक, यहाँ जो लोग प्रोस्टिट्यूशन का काम करते हैं उनका बिजनेस कभी डाउन नहीं होता। अब दोस्तों, भले ही ये रूल आपको कुछ खास न लगा हो और कुछ लोग तो इसके बारे में पहले से ही जानते हो, लेकिन अब जो रूल हम आपको इस देश के बारे में बताने वाले हैं उसको सुनकर पहले तो आप चौंकेंगे, फिर बाद में सोचेंगे, क्योंकि ये रूल ही कुछ ऐसा है। दोस्तों, जर्मनी में कोई भी व्यक्ति अगर फिजिकली चैलेंज्ड है और वो किसी लड़की के साथ हम बिस्तर होना चाहता है तो इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी सरकार लेती है और उसको उसी की पसंद की फीमेल प्रोस्टिट्यूट के साथ वो सब कुछ करने देती है जो वो करना चाहता है। और मजे की बात तो ये है कि इसका खर्चा भी जर्मनी सरकार ही उठाती है। क्या बात है यार, वहाँ के विकलांगों के लिए तो जर्मनी सरकार एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है। अब भैया, जर्मनी है तो ऐसी उम्मीद की किरणें जगना बिल्कुल पॉसिबल है। तो दोस्तों, अब हम आपको जर्मनी सरकार का एक और अजीबोगरीब रूल बताते हैं। दोस्तों, अगर आप इंडिया की नेशनल ड्रिंक को नहीं जानते तो आपको बता दें कि इंडिया की नेशनल ड्रिंक है चाय, जिसे हम बड़े शौक से पीते हैं। ऐसे ही पाकिस्तान की नेशनल ड्रिंक गन्ने का जूस है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जर्मनी की नेशनल ड्रिंक है पिल्सनर, यानी कि बियर से भरा एक ठंडा ग्लास। बियर को जर्मनी के लोग पानी की तरह पीते हैं। यहाँ सितंबर के एंड और अक्टूबर के शुरुआती दिनों में 16 से 18 दिनों तक जर्मनी के म्यूनिख शहर में ऑक्टोबर फेस्ट नाम का त्योहार मनाया जाता है, जिसमें मौज मस्ती की जाती है, बियर पी जाती है और बियर बहाई भी जाती है। इस त्योहार में 17 मिलियन लीटर बियर कंज्यूम होती है, जिसकी वजह से ये 10 करोड़ से कम जनसंख्या होने के बाद भी ये दुनिया का तीसरा सबसे ज्यादा बियर कंज्यूम करने वाला देश है। यहाँ 14 साल की उम्र से लड़के लड़कियां बियर पीना शुरू कर देते हैं। यहाँ बियर के बिना कोई भी सेलिब्रेशन पूरा नहीं होता, जिसकी वजह से इन लोगों के लिए यहाँ 7,000 से ज्यादा बियर की वैरायटीज बना रखी है। और आपको बताता हूँ कि जर्मनी में बवरिया नाम की एक जगह है जहाँ बियर को फूड और एज ए ड्रिंक पिया जाता है। मतलब यार, इस गर्मी में अगर ठंडी ठंडी बियर की वैरायटीज का मजा लेना है तो जर्मनी जाना पड़ेगा, बाकी वहाँ जाके उसके साथ कुछ और चीजों के भी मजे ले लेंगे। दोस्तों, इतने वियर्ड रूल्स के बाद अब हम आपको जर्मनी का एक सबसे अच्छा रूल बताते हैं। यहाँ 90% से ज्यादा स्कूल्स और कॉलेजेस में एजुकेशन फ्री है, चाहे कोई विदेशी हो या फिर यहाँ का लोकल, सभी के लिए यहाँ एजुकेशन फ्री है। हालांकि 1% स्कूल्स और कॉलेजेस में एजुकेशन के लिए पैसे लिए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जगहों पर यहाँ एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो काफी अच्छी बात है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं जर्मनी के एक और शॉकिंग वियर्ड रूल के बारे में। वैसे तो जर्मनी की जेलों में सिक्योरिटी के लिए काफी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन अगर जर्मनी की जेल से कोई कैदी इन पुख्ता इंतजामात को तोड़कर भागने में सफल हो जाता है तो फिर उसे दोबारा जेल में नहीं डाला जाता। हालांकि इसमें जर्मनी का जेल प्रशासन भागने वाले कैदियों का अपराध भी देखता है, और अगर उस भागने वाले कैदी ने कोई संगीन अपराध नहीं किया होता तो उसकी तलाश नहीं की जाती और उसकी सजा को माफ कर दिया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको बता दें कि अगर आप भारत में गाड़ी को एक लिमिट से तेज भगाते हैं तो आपका चालान काट दिया जाता है, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है। जर्मनी में 70% से ज्यादा रोड्स ऐसे हैं जहां कार्स को आप कितनी भी स्पीड से भगा सकते हैं, लेकिन बस आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि आपकी कार में फ्यूल खत्म ना हो जाए। अगर वो खत्म हो जाता है तो इसे वो अपराध माना जाता है, जिसके बदले में आपको सजा या जुर्माना कुछ भी हो सकता है।
बाकी इसके अलावा वो आपकी कार को भी रख सकते हैं। वैसे कार से याद आया कि दुनिया के सबसे ज्यादा कार्स के ब्रांड जर्मनी में ही हैं। इनमें कई नामचीन कंपनीज शामिल हैं, जैसे कि मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू। और आपको बता दें कि वर्ल्ड की सबसे ज्यादा कार सेलिंग कंपनी फॉक्सवैगन भी जर्मनी की है। दोस्तों अब हम आपको यहाँ के लड़कियों के बारे में बताते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि लंबी सुडोल और बॉल्ड फिगर रखने के साथ साथ सबसे खूबसूरत होने का खिताब भी जर्मनी की लड़कियां ही अपने पास रखती हैं, जो अक्सर वहां के लड़कों के साथ साथ यहां आए टूरिस्ट को बहुत पसंद आती है। वैसे टूरिस्ट से याद आया, यहां टूरिस्ट अपने काम से कम घूमने फिरने और मौज मस्ती के लिए ज्यादा आते हैं। और आपको बता दें कि जर्मनी सिंपल इंस्पायरिंग है, क्योंकि यहां आए टूरिस्ट का एक स्पेशल डिपार्टमेंट है। उसने अपने एक रिपोर्ट में बताया कि यहां आए 10 में से 8 टूरिस्ट यहां के फीमेल प्रोस्टिट्यूशन के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। तभी जर्मनी में प्रोस्टिट्यूशन के काम को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जाता। जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में एचआर, मैनेजर और एएसएम जैसी अलग अलग पोस्ट होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, ऐसे ही यहाँ प्रोस्टिट्यूशन के काम करने को लेकर भी कई डिपार्टमेंट बनाए गए हैं। मतलब कि यहाँ हाई लेवल पर इस काम को बेहद ही प्रोफेशनल तरीके से किया जाता है। और आपको बता दें कि जर्मनी का बोन शहर प्रोस्टिट्यूशन के लिए सबसे ज्यादा मशहूर माना जाता है, जहाँ की सड़कों पर कई वेंडिंग मशीन्स लगाई गई है, जहाँ फीमेल प्रोस्टिट्यूट को काम करने के लिए इन वेंडिंग मशीन्स से ऑफिशियली टिकट लेना पड़ता है। अगर वो नहीं लेती तो उन्हें पुलिस के द्वारा इस काम को करने से रोका जाता है। दोस्तों अब हम आपको जर्मनी गवर्नमेंट के बारे में एक ऐसी बात बताएंगे जो शायद आपको सोचने पर मजबूर कर सकती है। जी हाँ, यहाँ हर साल कुछ लोगों के नामों को यहाँ की सरकार इनवैलिड बताकर रिजेक्ट कर देती है, जिसके बाद उस व्यक्ति को अपने दोबारा से नाम रखना पड़ता है। दोस्तों है ना ये बहुत अजीब सी बात, लेकिन ये सच है। यहाँ बहुत से नामों को जर्मनी सरकार बिना मीनिंगफुल और एक वियर्ड नाम बताकर रिजेक्ट लिस्ट में डाल देती है। इस पर जर्मनी गवर्नमेंट का कहना है कि जो भी आप नाम रख रहे हैं उसका कुछ न कुछ मतलब होना चाहिए, जिसकी वजह से अब वहाँ बहुत से नाम कॉमन हो चुके हैं। और जर्मनी में किसी भी बच्चे का नाम रखने से पहले उसके माँ बाप 100 बार सोचते हैं। दोस्तों अब हम आपको जर्मनी का उसकी बार बार बदलती राजधानियों को लेकर एक वियर्ड फैक्ट बताते हैं। दोस्तों शायद आप इस बात को ना जानते हो कि जर्मनी पर कई शासकों ने राज किया, और जो भी शासक वो पुराने समय में राज करता, वो जिस शहर में रहता उसी को जर्मनी की राजधानी घोषित कर देता। ऐसे ही जर्मनी के 7 से ज्यादा बार राजधानी बदल गई। आईचेन, रेजेंसबुर्ग, फ्रैंकफर्ट, वेइमार, बोन जैसी रिहायशी सिटीज इसकी राजधानी रह चुकी है। लेकिन सन 1918 से इसकी राजधानी बर्लिन है, जो अभी तक तो नहीं बदली है। बाकी आगे कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों अब हम आपको जर्मन लोगों का एक और अजीबोगरीब रूल बताते हैं। दोस्तों जैसे अपने भारत के ज्यादातर लोग जन्मदिन से पहले ही एडवांस में विश कर देते हैं, ऐसा अगर कोई जर्मनी में करता है तो उसे बहुत ही बुरा माना जाता है। यहाँ कभी कोई किसी को एडवांस में विश नहीं करता, और खासकर किसी के जन्मदिन में तो बिल्कुल भी नहीं। और आपको बता दें कि अगर किसी के जन्मदिन की पार्टी चल रही है और 4 दोस्त बियर पी रहे हैं और किसी एक व्यक्ति को उधर से निकलना है, तो ऐसे में भी उन 4ों में से कोई एक भी व्यक्ति तब तक उधर से नहीं जा सकता जब तक वो 4ों लोग अपने इस गेट टुगेदर को खत्म नहीं करते। इसके अलावा उसे अपना गिलास भी हाथ में पकड़ना पड़ेगा। अगर इस मान्यता को कोई तोड़ता है तो कहा जाता है कि वो अपनी जिंदगी से प्यार नहीं करता। अब जैसे अपने इंडिया में बिल्ली रास्ता काट जाए उसे अशुभ माना जाता है, और जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं वो अचानक से सामने आ जाए तो कहते हैं कि इसकी तो उम्र लंबी है। तो ऐसे ही कुछ बातों पर जर्मनी के लोग भी बिलीव करते हैं। और आपको बता दें कि जैसे अपने इंडिया में अगर कोई किसी दूसरे व्यक्ति को उसके पानी मांगने पर मना कर देता है तो उसे अच्छा नहीं माना जाता, ऐसे ही जर्मनी में अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से बियर मांगता है तो सामने वाले व्यक्ति को उसे बियर ऑफर करनी ही पड़ती है। अगर कोई नहीं करता है तो उसे जर्मनी में बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। वैसे अच्छा हुआ ये मान्यता इंडिया में नहीं मानी जाती, नहीं तो कई बुढ़ाओं इसका बहुत अच्छे से फायदा उठाते। तो दोस्तों ये जर्मनी देश से जुड़ी कुछ अजीब और गरीब बातें थी। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी, और लाइक करके अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दें। और इसके बारे में अगर आपका जो भी ख्याल है वो हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।